Hello students of class 8, now we are going to read your book English Spectrum Unit 3 Section 1 and the chapter name is The Machine. So dear students, this is your chapter The Machine and it is about a lady and the machine. मतलब ये है कि इंसान जितना काम कर सकता है उतना मशीन कर सकती है और जितना ट्रस्ट इंसान पे किया जा सकता है क्या उतना ही मशीन पे किया जा सकता है। किस प्रकार से मशीनों के आने के बाद इंसान की ज़िंदगी में परेशानियां उत्पन्न हो गई हैं इस स्टोरी में आगे आपको बताया जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द लेसन। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ पुअर वुमेन हु नेवर फेल्ट डिफीटेड विद हर डिफ़िकल्टीज। ये जो स्टोरी है ये एक पुअर वुमेन की है, एक पुअर स्त्री की है, एक गरीब स्त्री की, जिसने कि कभी भी परेशानियों के सामने अपने घुटने नहीं टेके और वो कभी भी उन परेशानियों से हारी नहीं। शी फेस्ड ऑल हर डिफ़िकल्टीज विद अ ब्रेव हार्ट। उसने अपनी सारी परेशानियों का सामना बहुत साहस के साथ किया। हाउ, किस प्रकार से, लेट्स फाइंड फ्रॉम दिस स्टोरी। आइए इस स्टोरी के थ्रू हम जानते हैं। जयाज़ पॉवर्टी हैड एडेड टू द नंबर ऑफ ईयर्स इन हर एज। जया की गरीबी ने उसकी उम्र में काफ़ी साल बढ़ा दिए थे। शी लुक्ड ओल्डर देन शी वॉज। अब वो अपनी उम्र से बड़ी दिखने लगी थी। लाइक एवरी डे, हर दिन की तरह, इट वॉज द टाइम टू लीव फॉर वर्क। ये जो टाइम था वो काम पर जाने का था। लुकिंग ओवर हर क्रिपलेट हस्बैंड लाइंग इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम, शी मेड हर वे आउट ऑफ द हाउस। अपने अपाहिज पति की तरफ देखते हुए, जो कि कमरे के कॉर्नर में बैठा हुआ है, उसने अपने काम की तरफ अपना रास्ता देखा। 20 years ago, हर हस्बैंड वॉज अ हेल्दी मैन एंड वर्कड इन अ क्लॉथ मिल। लगभग 20 साल पहले उसका जो पति था वो एक स्वस्थ आदमी था और एक क्लॉथ मिल यानी कपड़े की मिल में काम करता था। ही फुलफिल्ड ऑल एसेंशियल नीड ऑफ हिज फैमिली। वो अपने परिवार की सारी जो ज़रूरत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करता था। हिज फैमिली कंसिस्टेड ऑफ हिज यंग वाइफ, और उसकी फैमिली में उसकी यंग वाइफ, अ सन एंड अ डॉटर, और उसका एक बेटा और एक बेटी थे। बट वन फेटफुल डे ऑल दिस हैप्पीनेस वैनिश्ड इनटू थिन एयर। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन उनकी सारी खुशियां हवा में उड़ गईं, यानी उनकी सारी खुशियां हवा में गायब हो गईं। ही मेट विद एन एक्सीडेंट एट द मिल। उसके साथ मिल में एक एक्सीडेंट हो गया एंड लॉस्ट हिज राइट लेग एंड हिज लेफ्ट हैंड हैड बिकम इमूवेबल परमानेंटली। और इस एक्सीडेंट में उसने अपना राइट लेग खो दिया, यानी अपना सीधा पैर खो दिया, और अपने बाएं हाथ में उसने परमानेंटली उसने मूव करना बंद कर दिया, उसके हाथ ने यानी चलना बंद कर दिया। The man who had ambitions to educate his children and make them big pupil was now too helpless to feed them even. एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ambitious था, बहुत महत्वाकांक्षी था अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और उन्हें बड़ा आदमी बनाने के लिए, अब वो पूरी तरीके से बहुत helpless हो गया था। अब वो उन्हें खाना भी नहीं खिला सकता था। बट जया वॉज अ ब्रेव लेडी। लेकिन जया जो है वो एक बहादुर औरत थी। शी टुक द वुल बाय द हॉर्न्स। उसने सारी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर ले लिया। शी नेवर फेल्ट डिफीटेड व्हेन कन्फ्रंटेड बाय डिफ़िकल्टीज। उसने कभी भी हार नहीं मानी जब भी परेशानियों ने उसे कोई भी चैलेंज दिया। कितनी भी बड़ी परेशानी उसके सामने आई उसने कभी भी हार नहीं मानी। शी वॉज नॉट लिटरेट। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, हैंस शी कुड नॉट गेट द जॉब इन प्लेस ऑफ हर हस्बैंड। इसीलिए उसे उसके पति के स्थान पर जॉब नहीं मिल सकी। द मिल हैड प्रोमिस्ड दैट हर सन वुड गेट द जॉब व्हेन शी ग्रू 18 ईयर्स ऑफ एज।
मिल वालों ने ये प्रॉमिस किया था कि उसका जो बेटा है उसे वो जॉब मिल जाएगी जब वो 18 साल का हो जाएगा. सो सी पिक्ड अप डोमेस्टिक जॉब्स लाइक कुकिंग, क्लीनिंग एंड वॉशिंग. इसीलिए उसने घरेलू काम करना शुरू किया, जैसे कि खाना बनाना, क्लीनिंग करना, साफ सफाई करना, वॉशिंग करना यानी कपड़े धोना, ये सब काम उसने शुरू किए. जया सॉ हर यंग फेयर डॉटर स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर. जया अपनी युवा गोरी बेटी को देखती थी जो कि कॉर्नर में खड़ी है. शी वॉज नाउ 22, जो कि अब 22 साल की हो चुकी है. जया स्टार्ड एट द फोटोग्राफ ऑफ हर यंग सन हैंगिंग ऑन फ्रंट वॉल. सामने की दीवार पर टंगी हुई अपने बेटे की फोटोग्राफ को जया देखती है. शी टर्न्ड एंड अटर्ड इन अ हश्ड वॉइस, जल्दी की आवाज में बोलती है मुड़ते हुए, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ. जया वॉज वॉकिंग इन द स्ट्रीट येट हर माइंड वॉज वॉन्डरिंग ऑल अबाउट. जया जो है वो एक स्ट्रीट में, गली में चल रही थी, लेकिन उसका जो दिमाग है वो हर तरफ घूमे जा रहा था. शी वॉज लॉस्ट इन द नॉस्टैल्जिया. वो अपने घर की परिस्थिति की यादों में खो चुकी थी. विद टाइम हर सन कंप्लीटेड हिज मैट्रिकुलेशंस एंड इंटरमीडिएट. वो उस समय के बारे में सोचती है जब उसके बेटे ने अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट की और विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में पास हुआ. ही हैड डन वेल इन ऑल examinations. उसने सारे examinations में, सारे पेपर में बहुत अच्छा किया. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज स्टडीज, अपने स्टडीज के बीच में, ही वॉज लैंडिंग हर हेल्पिंग हैंड बाय वर्किंग ऑन अ गारमेंट शॉप एज अ सेल्समैन. वो अपनी माँ की मदद करता था घर चलाने में, एक हेल्पिंग हैंड था वो, क्योंकि वो अपने पढ़ाई के साथ साथ एक गारमेंट शॉप में यानी कपड़ों की एक शॉप में सेल्समैन की नौकरी करता था. ही वॉज अर्निंग ओनली अ लिटिल मनी. वो बहुत थोड़े पैसे कमा रहा था, बट ही वॉज डिटरमाइंड टू यूटिलाइज दिस फॉर हिज फर्दर स्टडीज. लेकिन उसने ये डिसाइड किया था, ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो इन पैसों का इस्तेमाल अपने आगे की पढ़ाई के लिए करेगा. ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहता था दैट ही वुड बिकम एन ऑफिसर, कि वो एक बड़ा ऑफिसर बनेगा, एंड नॉट अ वर्कर, और कोई काम करने वाला नहीं. इन द मिल, वो किसी मिल में काम नहीं करेगा बल्कि एक बड़ा ऑफिसर बनेगा. ही ऑफ्टन सेड टू हर, वो हमेशा अपनी माँ से कहता था, लेट मी ग्रो, मुझे बड़ा हो जाने दो, एंड कम्प्लीट माई स्टडीज, और मुझे अपनी पढ़ाई पूरी कर देने दो. यू विल नॉट हैव टू वर्क एज अ हाउसमेट देन. उसके बाद आपको कभी भी एक घर की नौकरानी के रूप में काम नहीं करना पड़ेगा. यू विल लिव एन ईजी लाइफ, एक अच्छी लाइफ आप जी पाएंगी. आई विल डू एवरीथिंग टू कीप यू हैप्पी, मैं आपको खुश रखने के लिए सब कुछ करूँगा. When he turned 18, जब वो 18 साल का हुआ, he joined his father's mill. उसने अपनी पिता की मिल को join किया, and continued to study in the night, और रात में पढ़ाई करना जारी रखा. He loved his mother very much. वो अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था. He wanted his mother to stop doing the work of a maid servant, but she wished to continue. After all, her daughters had to be married. वो चाहता था कि उसकी माँ ये मेड सर्वेंट का काम यानी नौकरानी का काम बंद कर दे, लेकिन वो विश करती थी यानी सोचती थी कि इस काम को चालू रखा जाए, क्योंकि उसकी बेटी की उसे शादी करनी थी. शी ट्राइड टू सेव एवरी पैसा शी कुड. वो जितना ज़्यादा पैसा बचा सकती थी उतना ज़्यादा बचाने की कोशिश करती थी. एंड प्रोमिस्ड हर सन, और अपने बेटे से वादा किया उसने दैट ही वुड लीव हर जॉब आफ्टर हिज सिस्टर्स मैरिज, के उसकी बहन की शादी हो जाने के बाद वो जॉब छोड़ देगी. बट हर सन वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ मैरिंग हिज सिस्टर एट दिस टाइम. वो, लेकिन उसका जो बेटा है वो अभी अपनी बहन की शादी इस टाइम करने के फेवर में नहीं था, बिकॉज ही वॉन्टेड हर टू मैरी वेन ही वुड हैव बिकम एन ऑफिसर, क्योंकि वो ये चाहता था कि अपनी बहन की शादी तब करे जब वो एक ऑफिसर बन जाए. That will help get a better boy for her, और ये उसकी बहन के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने में भी मदद करेगा. But last year all hell broke on Jaya. लेकिन पिछले ही साल सारी जितनी भी दुख हैं सारे टूट पड़े जया पर.
शी लॉस्ट हर सन टू इन एन एक्सीडेंट व्हेन द मशीन डेवलप्ड सम स्नैक। उसने अपने बेटे को भी खो दिया जब कि एक मशीन में कुछ गड़बड़ हो गई थी, उसमें एक एक्सीडेंट के चलते उसने अपने बेटे को भी खो दिया। ही वॉज इलेक्ट्रोकेटेड टू डेथ। उस बिजली का झटका लगने से उसकी मौत हो गई। डेस्टिनी हैड बीन वेरी हार्श ऑन हर। डेस्टिनी यानी भाग्य उसके प्रति बहुत ज़्यादा हार्श यानी कि कठोर हो गया था। हाउ कैन आई लिव ऑन दिस ट्रेजडी, थॉट जया। जया सोचती है अब इस ट्रेजडी के बाद मैं अब कैसे जीऊँगी। परहैप्स द थॉट ऑफ हर यंग डॉटर केप्ट हर अलाइव। शायद उसकी जो युवा बेटी है उसके विचार में यानी उसके बारे में सोचते हुए वो जीवित रह गई। मैकेनिकली वर्किंग जया स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस वेयर शी वॉज क्लॉथ। मशीनिकली यानी कि मशीन की तरह चलते हुए जया एक घर के सामने आकर के रुकी जहाँ कि वो कपड़े धोने का काम करती थी। एज शी स्टेप्ड इन टू द हाउस, और जैसे ही वो सीढ़ियों से उस घर में गई, शी फाउंड हर मास्टर, उसने अपने मास्टर को देखा, सुशील नाम था उसका, एंड हिज फैमिली इन द लॉबी ओपनिंग अप अ न्यू पैक। वो एक नया पैक जो है वो खोल रहे थे अपने घर में लॉबी में। इट वॉज अ न्यू वॉशिंग मशीन, उस पैक में एक नई वॉशिंग मशीन थी। At this, her glowing eyes dampened as she could foresee her dark days ahead. अब उसकी जो चमकदार आंखें थी वो बंद होने लगी यानी कि उसके सामने अंधेरा छाने लगा, क्योंकि अब उसके वो देख सकती थी कि उसके फ्यूचर में कितने अंधेरे भरे दिन आने वाले हैं। शी हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ्स एट दिस हाउस फॉर मैनी ईयर्स। वो इस घर में काफ़ी सालों से कपड़े धो रही थी। सुशील टर्न्ड टुवार्ड्स जया, सुशील जया की तरफ मुड़ा, एंड सेड इन अ सीरियस वॉइस, और एक गंभीर आवाज में उससे कहा, जया यू हैव सर्व्ड अस फॉर अ प्रिटी लॉन्ग टाइम डेलीजेंटली एंड ऑनेस्टली एंड वी वैल्यू इट। जया तुमने बहुत लंबे समय से हमारे यहाँ बहुत अच्छा और बहुत ही शांति से शांतिपूर्ण और ऑनेस्टली काम किया है और हम इस चीज़ की वैल्यू करते हैं, बट वी विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू एनी मोर। लेकिन हम आगे तुम्हारी मदद अब नहीं कर पाएंगे। वी डोंट नीड योर सर्विंग्स नाउ। अब हम तुम्हारी जो सर्विसेज हैं उनकी हमें आवश्यकता नहीं है। शी ट्राइड टू कंसील हर डैम्प आइज। वो अपनी आँखें जो भरी हुई आँखें थी उनको रोकने की कोशिश कर रही थी। शी सेड इन अ ट्रेम्बलिंग वॉइस, उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मास्टर यू नो आई हैव अ डॉटर ऑफ मैरिजेबल एज। आपको पता है कि मेरी शादी योग्य एक पुत्री है। इफ़ यू टर्न मी आउट, अगर आप मुझे निकाल देंगे, आई विल हैव नो वेयर टू गो फॉर माई लिवलीहुड। मैं अपनी जीविका कमाने के लिए कहाँ जाऊँगी, अब मेरे पास कोई भी स्थान नहीं है जाने के लिए। बट यू वर्क एट टू मोर हाउसेस टू, सेड सुशील। लेकिन सुशील ने कहा कि तुम दो और घरों में भी तो काम करती हो। येस आई वर्कड, हाँ मैं काम करती हूँ, बट टू वीक्स एगो, लेकिन दो हफ्ते पहले, एट वन हाउस आई कुक्ड, एक घर में जहाँ मैं खाना बनाती थी, एंड दे हैव ब्रॉट अ माइक्रोवेव ओवन। वो वहाँ एक माइक्रोवेव ओवन ले आए, एंड दे नो मोर नीड माई सर्विसेज, और अब उन्हें मेरी सर्विसेज की आवश्यकता नहीं है। एट अनदर, और दूसरी जगह पर, दे हैव ब्रॉट अ वैक्यूम क्लीनर। वो लोग एक वैक्यूम क्लीनर ले आए हैं, विच क्लीन्स क्विकर एंड क्लीनर देन आई कैन, जो कि मुझसे ज़्यादा अच्छे से और साफ तरीके से साफ कर सकता है। ओह स्टिल वी कांट हेल्प, ये बात है, लेकिन हम फिर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। वी आर सॉरी, हम बहुत ही सॉरी हैं इस बात के लिए। यू सी दिस मशीन कॉस्ट फार लेस देन यू डू। तुम देख सकती हो कि जितना ये मशीन जो है वो कम खर्चा होगा उस पर जितना कि हम तुम्हें देते हैं। सेइंग सो सुशील टुक आउट हिज वॉलेट एंड पेड हर ड्यूज एंड 50 रुपीज ओवर दैट एज अ टिप। ये कहते हुए सुशील अपना वॉलेट निकालता है और उसके जो बाकी के ड्यूज़ हैं उनको वो पे कर देता है, पैसे दे देता है बकाया, और 50 रुपीज़ जो है वो ऊपर से दे देता है उसे टिप के रूप में।
जया हैड नो वे आउट बट टू वॉक अवे। जया के पास अब कोई रास्ता नहीं था बस जाने के अलावा। द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ सुशील्स वाइफ दैट दे वुड हेल्प हर इफ शी नीडेड कुड नॉट प्रोवाइड हर एनी सोलेस। जब वो लौट रही थी उस समय, जब छोटे समय जो शब्द सुशील की वाइफ ने बोले थे कि जब भी उसे आवश्यकता होगी वो उनकी मदद करेंगे, इस चीज से, इस बात से उसे कोई भी सोलेस यानी सांत्वना प्राप्त नहीं हुई। शी हैड लॉस्ट हर जॉब, उसकी जॉब अब जा चुकी थी। द ओनली मीन्स टू सपोर्ट हर फैमिली, जो कि एक आखिरी रास्ता था उसके पास अपनी फैमिली को सपोर्ट करने का। एंड गेटिंग अनदर जॉब वुड बी मच डिफिकल्ट, और दूसरी जॉब पाना और ज़्यादा ही मुश्किल होने वाला था। सुशील वॉज गोइंग टू सेलिब्रेट हिज 15th बर्थडे नेक्स्ट वीक। सुशील अपना 50वां जन्मदिन अगले हफ्ते मनाने वाला था। एंड ही हैड ब्रॉट दिस वॉशिंग मशीन एज अ पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन, और वो इस वॉशिंग मशीन को अपने सेलिब्रेशन के एक पार्ट के रूप में लेकर के आया था। ही वर्कड इन अ लार्ज प्राइवेट कंपनी एज अ सीनियर क्लर्क, वो एक बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी में सीनियर क्लर्क के रूप में काम करता था। आफ्टर जया वॉकड आउट, जब जया चली गई उसके बाद, ही टू गॉट रेडी टू फॉर हिज ऑफिस, वो अपनी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। ही एंटर्ड हिज ऑफिस होल्डिंग अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स, वो अपने ऑफिस में एंटर हुआ अपने हाथ में एक मिठाई का डब्बा लेकर के। ही वॉन्टेड टू सेलिब्रेट हिज बाइंग अ न्यू मशीन वॉशिंग मशीन विद हिज कलीग्स, वो अपने साथियों के साथ अपनी खुशी, जो नई वॉशिंग मशीन खरीदने की खुशी है उसे सेलिब्रेट करना चाहता था। ही सेट डाउन एट हिज डेस्क, वो अपनी डेस्क पर आकर के बैठ गया। बिकॉज ही वॉन्टेड टू ऑफर स्वीट्स फर्स्ट टू हिज मैनेजर, क्योंकि वो अपने मैनेजर को सबसे पहले स्वीट्स जो है वो ऑफर करना चाहता था। ही वॉज वेटिंग हिज प्रमोशन टू, वो अपने प्रमोशन का भी इंतजार कर रहा था। सो ही कुड नॉट हेल्प बट थिंक दैट दिस हैप्पी अपॉर्चुनिटी माइट एज वेल बी एन इवन हैप्पियर अपॉर्चुनिटी टू सेलिब्रेट। वो ये सोच रहा था कि ये जो हैप्पी अपॉर्चुनिटी है, अब मैं मिठाई बांटने आया हूँ, ये और ज़्यादा हैप्पी हो जाएगी अगर मुझे ये जो प्रमोशन है वो मिल जाए। विद अ ब्रॉड स्माइल, एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ, ही नॉक्ड एंड एंटर्ड द कैबिन, उसने दरवाजे पर दस्तक दी और कैबिन में एंटर हुआ। ही विज्ड इन ए ब्राइट लाउड वॉइस, गुड मॉर्निंग सर, वो एक बहुत तेज़ और सुंदर आवाज़ में बोला, गुड मॉर्निंग सर, प्लीज बी सीटेड, सेट द मैनेजर इन अ ग्रेव वॉइस, एक गंभीर आवाज में मैनेजर ने कहा कि प्लीज बैठ जाइए। हैव दिस स्वीट फर्स्ट सर, ये पहले मिठाई खाइए सर, दैट्स फॉर लेटर, ये बाद में खाते हैं, सेट द मैनेजर सीरियसली, उसने गंभीरता से कहा मैनेजर ने कि यह मिठाई बाद में खाएंगे। सुशील सेट डाउन बिफोर द मैनेजर, सुशील मैनेजर के सामने जाकर के बैठ गया। बट ही कुड गेस समथिंग अनप्लीसेंट इन मैनेजर्स वॉइस, अब उसे मैनेजर की आवाज़ से ये पता चल रहा था कि कुछ अनप्लीसेंट, कुछ बुरा होने वाला है। Have I committed some mistake? क्या मैंने कुछ गलती कर दी है? This was the first thought that arose in his mind. ये जो first thought है ये उसके दिमाग में आया कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है। His job had depended a bit. उसकी job जो है वो dampened होने वाली थी, यानी जाने वाली थी। I have called you in to discuss something serious. मैंने तुम्हें यहाँ कुछ serious discuss करने के लिए बुलाया है। The manager's tone was sufficient to perplex Sushil. अब ये जो आवाज़ थी, ये बोलने का जो टोन था मैनेजर का, वो सुशील को डराने के लिए काफ़ी था। मिस्टर सुशील कंटिन्यूड द मैनेजर, मैनेजर आगे बोलने लगा, मिस्टर सुशील यू आर वन ऑफ द एम्प्लॉयज होम दिस कंपनी क्रेज द मोस्ट, आप उन एम्प्लॉयज़ में से एक हैं जिन्हें ये कंपनी बहुत ज़्यादा मानती है। यू हैव सर्व्ड द कंपनी फॉर अ प्रिटी लॉन्ग टाइम ऑनेस्टली एंड डेलीजेंटली, आपने इस कंपनी में बहुत लंबा समय बिताया है काम करते हुए, ऑनेस्टली आपने काम किया है इतने लंबे समय तक हमारे ऑफिस में। एंड द कंपनी वैल्यूड इट, और कंपनी इसकी वैल्यू करती है इस बात की। द कंपनी डज नॉट नीड योर सर्विसेज एनी मोर, कंपनी को अब आपकी सर्विसेज की अधिक आवश्यकता नहीं है।
सुशील फेल्ट एज इफ द कारपेट वॉज बींग पुल्ड अवे फ्रॉम अंडर हिज फीट। सुशील को ऐसा फील हुआ जैसे उसके पैरों तले धरती जो है वो खिसक गई हो। ही फेल्ट हिज हर्ट सिंकिंग, उसका जो हृदय है वो बहुत जोर से सिंक करने लगा, धड़कने लगा। ही सेड इन अ ट्रम्बलिंग वॉइस, उसने कांपती हुई आवाज में कहा, सर आई हैव अ डॉटर फॉर ऑफ मैरिजेबल एज, मेरी एक विवाह योग्य बेटी है। If you turn me out, अगर आप मुझे निकाल देंगे, I will have nowhere to go for my livelihood, तो मैं अपनी जीविका कमाने के लिए कहीं जाने योग्य नहीं हूँ। We can't help, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। The chairman has decided to computerize the company, चेयरमैन ने ये डिसाइड किया है कि वो पूरी कंपनी को कंप्यूटराइज करेंगे। इफ यू रिमेम्बर, अगर आपको याद हो, द कंपनी हैड एडवाइज्ड ऑल एम्प्लॉयज टू लर्न कंप्यूटर, तो के कंपनी ने पहले ही सारे एम्प्लॉयज को ये एडवाइस किया था कि सभी लोग कंप्यूटर सीख लें। ऑल दोज एम्प्लॉयज हु डिड नॉट पे हीड टू दिस एडवाइस आर ब्रिंग लेड ऑफ, और ऐसे जितने भी एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, इस एडवाइस को नहीं माना, उन सभी को बाहर निकाला जा रहा है। सर एनी वर्ड फेल्ड टू कम आउट ऑफ सुशील्स माउथ, अब सुशील के मुंह में से एक शब्द भी बाहर नहीं निकल रहा था। द मैनेजर हैंडेड हिम ओवर एन एनवेलप, मैनेजर ने उसके हाथ में एक एनवेलप पकड़ाया। बट यू विल गेट अ मंथ सैलरी एंड बोनस एट द एंड ऑफ वन मंथ, आपको ये वन मंथ की सैलरी दी जा रही है और बोनस के रूप में आपको ये पैसे दिए जा रहे हैं। प्लीज कम देन द एंड कलेक्ट योर पेमेंट, अब आप आइएगा और अपना जो पेमेंट है उसे कलेक्ट कर लीजिएगा। सुशील स्टूड अप फ्रॉम हिज चेयर, ही वॉज फीलिंग गिडी, सुशील अपनी चेयर से उठा और वो एक थोड़ा सा डिजी फील कर रहा था, यानी उसे चक्कर आ रहे थे। द मैनेजर टू स्टूड अप एंड शुक हिज हैंड, और एंड मैनेजर भी खड़ा हुआ और उसने सुशील से हाथ मिलाया। सुशील डिड नॉट नो वेदर टू ऑफर स्वीट्स टू द मैनेजर और नॉट, सुशील को अब ये पता नहीं चल रहा था कि अब उसे मैनेजर से हाथ मिलाने चाहिए या नहीं, सॉरी स्वीट्स उसे देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ही केम आउट ऑफ द ऑफिस एम्प्टी हैंडेड, वो खाली हाथ अपने ऑफिस से बाहर आया एंड हेडेड फॉर हिज हाउस और अपने घर की तरफ चला गया। हिज ओन वर्ड्स अटर्ड फॉर जया दैट सम सेम मॉर्निंग वेयर रिंगिंग इन हिज ईयर्स, उसके खुद के शब्द जो उसने सुबह जया को कहे थे अब उसके कानों में वो गूंज रहे थे। वन मशीन हैड गिवन हिम जॉय, एक मशीन ने उसे खुशी दी, एंड अनदर हैड स्नेज्ड इट ऑल, और दूसरी मशीन ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया।